यहाँ तीन सांप थे, एक साथ तीनों सांप हॉल की तरफ ऐसे दौड़े जा रहे थे जैसे उन्हें अंदर से कोई खींच रहा हो। अरे हे भगवान, इसका मतलब वो सांप यहीं कहीं है। अरे चलो चलो सब लोग जल्दी अंदर चलो, किसी को ड्रेस वस्त ना ले। अरे यार अपने हॉल में सांप कैसे आ सकता है, आज तक तो नहीं आया। हाँ, हम वहाँ देखते हैं। तू देख, मैं वहाँ देखता हूँ। चाचा, इस तरह नागेश्वर देवता के सामने नाचना, पैरों का नीला पड़ना और अब हॉल के बाहर सांप आना, कुछ तो राज है जो गरिमा और उसकी बहन हमसे छुपा रहे हैं। जिस बात का डर था वही हो रहा है। तुम्हारे पैर में नील पड़ते हुए दूल्हे की बहन ने देख लिया, ये तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो? मैं अपने भैया की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। करीमा की सच्चाई तो मैं अब सबके सामने ला कर ही रहूंगी। चेहरा तो देखो तुम्हारा, अगर तुम इसी तरह डरती रही ना तो हम इस राज को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे। देखो तुम्हें सबके सामने ऐसे बिहेव करना है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। घबराओ कैसे नहीं शिल्पा दी, ये देखो मेरे पैर के तलवे तो पहले से ही नीले थे, अब तो नीलापन घुटने तक पहुंच गया है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम प्लीज ये अपनी टेंशन हटा लो अपने चेहरे से। कौन हो सकता है, रोशनी ने मेरे पैरों को नीला पड़ते हुए देख लिया था, कहीं वो तो नहीं? करीमा कहाँ है? मैं नीचे ही आने वाली थी, वो बस अपने हेयर ठीक करवा रही थी। अरे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें बुलाने थोड़ी ना आई थी। वो तो हमारे यहाँ ना एक रिवाज होता है जिसमें शादी से पहले ननद भाभी को ना अपने हाथों से खानदानी पायल पहनाती है।